Hello friends, I am Dr. Ashish Goel. I am laser laparoscopic and general surgeon in Narayana Multispeciality Hospital, Jaipur. I have experience in this field from last 11 years. और आज हम बात करेंगे गोल्ड ब्लैडर स्टोन डिजीज़ के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ब्लैडर क्या होता है. गोल्ड ब्लैडर एक छोटी थैली होती है जो कि लीवर के लोअर सरफेस पे जुड़ी हुई होती है. गोल्ड ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है. गोल्ड ब्लैडर पित्त को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है और उसको कंसंट्रेट करता है, और जब भी रिक्वायर्ड होता है फूड के डाइजेशन के लिए ये इंटेस्टाइन में उसे रिलीज़ करता है. अब गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स क्यों बनते हैं. गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स जब भी गोल्ड ब्लैडर का की संरचना में कोई दिक्कत होती है या फिर गोल्ड ब्लैडर के अंदर जो स्टोर्ड लिक्विड होता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में पित्त बोलते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल और सॉल्ट का इम्बेलेंस होता है तो गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मेशन होता है. अब गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मेशन के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स जनरली फीमेल्स में बनता है और जनरली ओबेस फीमेल्स में बनता है जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है. प्रेगनेंसी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर गोल्ड ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन. इवन हाई फैट डाइट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर गोल्ड ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन. गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स किस तरह से प्रेजेंट करता है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक. मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्ड ब्लैडर स्टोन साइलेंट होता है, कोई सिम्टम्स नहीं करता ईयर्स तक. बट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो गोल्ड ब्लैडर स्टोन से होता है वो है पेन. सबसे फ्रिक्वेंटली पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करता है गोल्ड ब्लैडर स्टोन से बोलता है, डॉक्टर साहब हमें हमारे पेट में राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, और ये दर्द नोजिया या वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड हो सकता है. साथ में पेशेंट को उल्टी या फिर उल्टी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. अब गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स से गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी होता है, कोई मेडिकल मैनेजमेंट इसका नहीं होता है. सर्जरी गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स में दो तरीके से होती है. फर्स्ट इज ओपन सर्जरी, सेकंड इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. आज के युग में ओपन सर्जरी गोल्ड ब्लैडर की बहुत कम होती है. ओनली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम छोटे छोटे 3 से 4 चीरे लगाते हैं. दो चीरे 1 सेंटीमीटर के होते हैं और दो चीरे 5 mm के होते हैं. उससे सर्जरी को पूरा किया जाता है. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से चीरे बहुत कम आते हैं, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, हॉस्पिटल स्टे 24 to 48 hours होता है, और पेशेंट कैन रिज्यूम इट्स हिज नॉर्मल वर्क विद इन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ सर्जरी. लास्ट में मेरा मैसेज यही रहेगा कि जब भी आपको गोल्ड ब्लैडर स्टोन की दिक्कत हो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स में कोई भी मेडिकल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी होती है. गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स अगर गोल्ड ब्लैडर में हैं तो कम रिस्की होते हैं, बट इन सम इंस्टेंसेस गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स गोल्ड ब्लैडर से निकल के गोल्ड ब्लैडर की नली में जा सकते हैं और वहाँ फंस के बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं. सो गोल्ड ब्लैडर स्टोन की जब भी आपको परेशानी हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट, यू शुड गेट इट ऑपरेटेड. थैंक यू.